नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 सतरंगी परियां, सतरंगी परियों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बच्चों, मेरे साथ आप अपनी किताब को खोल लीजिए और उसमें पेज नंबर 88 को ओपन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 12 सतरंगी परियां। तो देखो, सतरंगी परियों के बारे में आपकी किताब के अंदर लाल रंग से एक लाइन लिखी गई है, जिसको पूरे पाठ के बारे में समझाया गया है कि इस पाठ के अंदर है क्या। तो इस पाठ के अंदर क्या है, रंग हम सभी को अच्छे लगते हैं बच्चों। कलरफुल रंग के साथ हमको सबको अच्छे लगते हैं। हमको ड्राइंग करने के लिए दे दिया जाए इंद्रधनुष, रेनबो, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं रेनबो, बनाने के लिए तो कितने प्यार से हम उसको बनाते हैं, कलर करते हैं, कितना सुंदर लगता है। तो रंग हम सभी को अच्छे लगते हैं बच्चों। परियों ने आसमान को रंगों से सजाते हुए इंद्रधनुष बना दिया है। परियों ने, सतरंगी परियों ने, सात रंगों से रंग उड़ रही है इस तरीके से कलरफुल में। तो ऐसा लग रहा है आसमान के अंदर इंद्रधनुष बन गया हो, रेनबो बन गया हो। तो बच्चों, ये है हमारे सतरंगी परियों के पाठ के बारे में। अब इसके अंदर देखो, हमको एक कविता दी गई है जिसमें सूरज के बारे में भी बताया गया है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक हंसता खिलखिलाता हुआ सूरज बनाया है आपके लिए, और यहाँ पर बादल हैं जो टकरा कर रो रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाऊंगी इसको। और आप मेरे साथ अपनी किताब को खोल के इस पाठ को समझोगे। इस पाठ को हम पार्ट में डिवाइड करके सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको ये तीन वो दिए हैं कांड कविता के, इनको पढ़ेंगे हम और इनके बारे में समझेंगे। तो दो थे नन्हे नन्हे बादल, ये रहे अपने दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बादल। ठीक है, बादल है अपने पास, सैर कर रहे दोनों बादल। दोनों बादल खुले आसमान में क्या कर रहे थे, सैर कर रहे थे यानी घूम रहे थे। सैर करना यानी घूमना, घूम रहे थे दोनों। घूमकर गाते खाते चक्कर, दोनों ऐसे घूम रहे थे कि चक्कर भी खा रहे थे, इतनी तेजी तेजी से सैर कर रहे थे। तभी हुई दोनों में टक्कर, आराम से दिख ही नहीं रहा था, सैर करने में इतने मस्त हो गए थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और दोनों के बीच में क्या हो गई बच्चों, टक्कर हो गई। क्या हो गई, टक्कर हो गई। तो दोबारा से रिवाइज करेंगे हम। तो थे नन्हे नन्हे बादल, नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे बादल थे दो, सैर कर रहे दोनों बादल। दोनों बादल खुले आसमान में क्या कर रहे थे, सैर कर रहे थे, घूम रहे थे दोनों। घूमकर खाते चक्कर, दोनों ने इतना घूमे इतना घूमे, अपन नहीं है राउंड 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 लगाते हैं चक्कर खाते तो चक्कर सा आ जाता है, इसी तरीके से बादल इतनी तेजी से खुले आसमान में घूम रहे थे कि दोनों घूमकर चक्कर खाने लग गए। तभी दोनों में क्या हो गई, टकरार, टक्कर हो गई। तो देखो बच्चों, फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों रोते पकड़कर सिर, टक्कर हो गई, दोनों ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं पर क्या हुआ, रोने लग गए। आगे हुआ क्या, सोचो फिर, अब रोने लग गए दोनों में, टक्कर हो गई, तो अब आगे क्या हुआ होगा आप ये सोचिए। आंसू बहते टप टप टप, और आंसू बहने लग गए टप टप टप। अपन भी है ना, जब चक्कर खाते कहीं से टकरा जाते हैं या किसी और से टकरा जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं, चोट लग जाती है। इसी प्रकार ये बादल क्या थे, दोनों पकड़कर सिर, रोने लगे। आगे हुआ क्या, सोचो फिर, आंसू बहते टप टप टप, सूरज दादा बोले तब। तब हमारे सूरज दादाजी बोले, देखो हमारे सूरज दादाजी फिर क्या कहने लगे, क्या कहने लगे हमारे सूरज दादाजी, कहने लगे, प्यारे बादल ना हो उदास, तुम छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बादल से उदास मत हो, मैं भेजूंगा परियां खास, मैं तुम्हारे पास खास परियों को भेजूंगा, परियां तुम्हें ना रोने देंगी, परियां तुम्हें रोने नहीं देंगी, सारे दुख को वे हर लेंगी, सारे दुख को वो हर लेंगी यानी
दूर कर देंगी, जो तुम्हारे दुख हैं जिस वजह से तुम रो रहे हो उन परियों को बताना, उनमें परियों को भेजूंगा तुम्हारे पास और वो तुम्हारे सारे दुख हर लेंगी, सारे दुखों को दूर कर देंगी और वो तुम्हें रोने भी नहीं देंगी। ये सारी बात किसने बोली? सूरज दादा ने बोली। किससे बोली? वो रोते रोते छोटे छोटे बादलों से बोली, ठीक है ना। किससे बोली? बादलों से बोली। तो ये है हमारी सतरंगी परिया की आधी कविता जो मैंने आपके चित्र के माध्यम से आपको ब्लैकबोर्ड पे समझाई। आप मेरे साथ इसको बोलोगे, पढ़ोगे, समझोगे। मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर रही हूँ तो इसको आप दोबारा से पढ़ोगे। दो थे नन्हे नन्हे बादल, दो छोटे छोटे से बादल थे, सैर कर रहे थे दोनों बादल। दोनों बादल सैर क्या कर रहे थे? आसमान में घूम रहे थे। दोनों घूमकर खाते चक्कर, और इतना घूमे कि उनको क्या आ गया? चक्कर आ गया। तभी हुई दोनों में टक्कर, तभी दोनों में क्या हो गई? टक्कर हो गई। और क्या हुआ? दोनों रोते पकड़कर से टक्कर हो गई, उनकी चोट लग गई तो वो अपना सिर पकड़कर रोने लगे। आगे हुआ क्या? सोचो फिर आगे क्या हुआ? जब उनके सिर पकड़कर रोने लगे तो आंसू बहते टप टप टप, और उनकी आंखों में से टप 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 आंसू बहने लगे। सूरज दादा बोले, तब वो सूरज दादा बोले, क्योंकि सूरज भी वहीं थे और वो बादल भी वहीं घूम रहे थे आसमान में। तो जब सूरज दादा बोले, प्यारे बादल ना हो उदास, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बादल आप उदास मत हो, दुखी मत हो, मैं भेजूंगा परियां खास 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 परियां आपके पास में भेजूंगा। परियां तुम्हें ना रोने देंगी, परियां किसी को भी रोने नहीं देती हैं, तो परियां तुम्हें रोने नहीं देंगी, सारे दुख को वे हर लेंगी। तुम्हारे जो दुख हैं, तुम्हारे साथ जो परेशानी है, उनको वो परियां दूर कर देंगी, तो तुम रो मत। तो ये थी हमारे छोटे छोटे दो नन्हे नन्हे बादल और सूरज दादा की बात। आगे अब परियां इस पाठ में क्या कहती हैं, उन छोटे छोटे बादलों के कैसे दुखों को दूर कर देती हैं, तो वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आपको क्या करना है, इस कविता को 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद ये जितनी कविता मैंने लिखी है चित्र के साथ आपको भी अपनी कॉपी में सुंदर लेख में एक सूरज का चित्र बनाना, नीचे 2 छोटे छोटे बादल बनाने हैं, और ये 3 जो पैराग्राफ है ये सामने आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये है आज का आपका गृह कार्य। क्या है गृह कार्य? तो डेट डालकर सुंदर राइटिंग में पेज के अंदर, कॉपी के अंदर चित्र बनाओगे सूरज और छोटे छोटे दो बादलों का। आपके पास सबके पास बुक है, बुक को खोलकर भी बैठ सकते हो, उसमें आपको रंग भी भरने हैं। जैसे रंग आपकी किताब के अंदर भरे हुए हैं ऐसी रंग आपको भरने हैं। और ये कविता 3 पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, नंबर 1 पैराग्राफ ये है, नंबर 2 पैराग्राफ ये है और नंबर 3 पैराग्राफ ये है, ऐसे आपको आपकी कॉपी के अंदर सुंदर लेख में करने हैं। इससे पहले आपको अपना पाठ 2 से 3 बार पढ़कर समझना है, उसके बाद ही आपको करना है। तो क्योंकि पढ़कर समझकर आप कॉपी में वर्क करोगे, होमवर्क करोगे, गृह कार्य करोगे, तो आपको ये कविता भी आपकी याद हो जाएगी। हाँ, साथ के साथ आपको आपकी कविता भी याद करनी है। तो बच्चों, आज हमारा ये सतरंगी परिया पाठ 12 अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी हमने 3 पैराग्राफ के साथ अपनी कविता को समझा है, पढ़ा है। तो आज आप इस कविता को पढ़ना, समझना, सुंदर लेख में गृह कार्य को करना, उसके बाद हम और पैराग्राफ के साथ अब आगे परियां बादलों को क्या समझाती हैं, कैसे उनका दुख दूर करती हैं, तो उस चीज़ को हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।